हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनिल व्लॉग्स। कैसे हैं सभी? होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। और गाइस, सुबह का टाइम हो चुका है, अभी समय हो चुका है 7 बजे का और मैं उठ चुकी हूँ। और आज है भाई 23 मार्च और डे है सैटरडे और एक ही दो दिन रह गए हैं होली के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ व्लॉग में तक बने रहिएगा। और चलो जी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म सुबह सुबह पानी और पानी मैंने लगा दिया। अभी मैं थोड़े हल्के गर्म पानी से लगा रही हूँ, बस अभी पानी वानी पीते हैं। अनी भी उठ चुके हैं, लड्डू तो आपको पता ही है, हम उठते हैं तो साथ साथ में ही उठ जाता है। तो चलो फटाफट से चीज़ें कर लेते हैं और फिर आगे से बातें करते हैं। देखो आवाज़ आ रही है ना, ये लड्डू ही कर रहा है। तो चलो जी मिलते हैं आप लोगों से, व्लॉग में तक ज़रूर बने रहिएगा। और हम दोनों रेडी हो गए नहा के, आनी गए भाई दूध लेने के लिए। अरे देखो इसको, इस बंदर को देखो, अरे बिल्कुल नहीं देखेगा। अरे अरे लड्डू, ये लड्डू है। आज यही हमारा नाश्ता, बिस्किट कोकोनट वाला और अनी और दूध भाई। और दूध मैं नहा लू भाई, लड्डू नहा लिया, लड्डू भी अपना दूध पी रहा है, अभी लड्डू सो जाएगा, उसके बाद बाकी के काम करते हैं धीरे धीरे। और अभी अनी नाश्ता कर रहे हैं, फिर जाएंगे। खाना वाना अभी बनाया नहीं है, कुछ भी बना लेंगे, आ जाएंगे 12-1 बजे तक, फिर बनाते हैं। चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई आज हमारा यही नाश्ता है, कोकोनट वाले बिस्किट हैं, दूध है, बाहर गए हैं और मैंने लड्डू नहीं, ने सभी ने शार कर लिया है। अभी बस नाश्ता करते हैं, नाश्ते में दूध और बिस्किट है, मैंने कुछ नहीं बनाया अभी क्योंकि अभी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। पहले से तो ठीक है लेकिन अभी उतनी सही नहीं है, टेस्ट में तो कुछ आया नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बॉडी पेन है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। बाकी अभी कुछ नहीं, बस धीरे धीरे अपने काम करते हैं और दिखाते हैं। और लड्डू को देखो, दूध की ट्रे चाहिए ये बोलेगा और वो गर्म है गिरा देगा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। देखो नीचे बैठ के खेल रहा है और अनी जा चुके हैं, अनी जा चुके हैं और आप लोगों को पता है आज है भाई 23, एक ही दिन बाकी रह गया होली में, होली भी है और अभी तक मेरी होली की कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो आज भाई हम थोड़ी बहुत जितनी मुझसे हो पाई हम थोड़ी बहुत होली की प्रिपरेशन करेंगे और अपने ठाकुर जी के लिए इस बार हम होली पे खुद की बनी हुई ड्रेस पहनाने वाले हैं। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ बट हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी बनाए और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करने वाली हूँ, जो शॉर्ट्स में भी और यहाँ पर भी, और एक दो चीज़ें और बनाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने के लिए और जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतना सब कुछ करेंगे। और बस चलो अनी जा चुके हैं अभी और अभी बस लड्डू के साथ खेलते हैं, जब लड्डू सो जाएगा उसके बाद कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है जी। लड्डू तो सो गए, उसने देखो क्या कर दिया है पूरे में, तो ये मैं साफ़ करती हूँ जल्दी से, सबको साफ वाफ करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। टूट गया है और सुबह में इसको हम कुछ खिलाए नहीं पाए थे, मैं बना नहीं पाई थी, तो अभी मैंने इसके लिए बनाया है ओट्स और बनाए हैं गुड़ वाले और अभी इसको खिलाएंगे। देखो मैंने बना मतलब दाल रख दी है बनने के लिए और बस इसको मैं ओट्स खिला दूँ फिर मिलते, और ये गर्म है और इसको खाने हैं अभी, तो मैं फटाफट से इसको पहले खिला देती हूँ फिर आपसे। कैसे आप लोग सब भाई, आज घर पे ही हूँ, अभी आया था और भूख लगी हुई है भाई। आज थोड़ी मैडम की तबीयत ख़राब है तो इसलिए हमने बनाए हैं दाल चावल, जो कि फिर भी थोड़ी हिम्मत करके बना रही है क्योंकि भूख लगी हुई है। और इस लड्डू को देखो भाई, देखो क्या करे भाई, करना तो पड़ता ही है जैसे भी करे। फिर खाते हैं दाल चावल और फिर मिलते हैं आपसे। लो पांडा को देखो जी, कैसे कैसे कर रही है, देखो देखो शर्मा के भाई, ये शर्माती बहुत है कैमरे के सामने। तो गाइस बस अनी तो बोल रहे थे बाहर से ले आते हैं पर मेरा बाहर का खाने का भी मन नहीं था, घर का खाना खाने का मन था, दाल से ज़्यादा दाल चावल बना लूँ, तो फिर सोचा चलो थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा था, स्वाद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कुछ हो रहा हो। तो बस और जो लड्डू भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मम्मी दाल चावल बनाए, दाल चावल तो वही बन गए हैं, सब्जी मैंने अभी बनाई है, वो बनाने का कोई प्लान नहीं था और कोशिश कर दी। चलो मैं का खाना उसके वो लग गया पीछे, खाना तो प्रॉपर होना चाहिए एटलीस्ट, तो बना लिया है, बाकी अभी देखते हैं डॉक्टर के पास जाके दवाई करवाते हैं। हमने टेस्ट तो सारे करा लिए, डेंगू मलेरिया टाइफाइड सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं आया, बस
बोलो। नहीं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बोलो। और समझ गया जिसको बोलना चाह रहा हूँ। समझ गया जिसको बोलना चाह रहा हूँ। किसको? गॉड। पता नहीं मैंने भी क्या कह रहा है। तो बस अभी खाना बन गया है, खाना खाते हैं। और आज भाई हम अभी दिन में अगर समय मिला थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही है होली है ना। नहीं तो कोई 24 को कह रहा है, 25 को, कोई 26 27 को कह रहा है, कोई 25 26 को कह रहा है, तो पता नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो कल ही है जो पूजने वाली होती है। तो नहीं हर के यहाँ पर भाई होली नहीं पूजते हैं, परसों वाली मतलब इनके गाँव में जाते तो नहीं जाएंगे शायद, देखते हैं। हमारा भी नहीं पता, अगर जा पाए तो चले जाएंगे। बाकी अभी अगर समय मिला अभी दिन में खाना खाने के बाद, तो आज मैं बढ़िया सी कोई मिठाई बनाने वाली। गुजिया वुजिया तो देखो ना मैंने कभी बनाई, ना ही ना मेरे को मतलब आती, तो क्या आसान है ना मेरे बनाने का मन है। और उसके लिए मैदा वैदा ये सारी चीज़ें, तो वो तो हम नहीं बनाएंगे। घिया हम लेकर आए थे कल, 2 किलो की 1.5 किलो 1.5 किलो घिया लेकर आए थे। तो उसका कुछ अच्छा सा बनाएंगे, और वो मैंने पहले भी ट्राई की हुई और बहुत अच्छी बनती है, तो वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है जी। भाई अन्नी और लड्डू ने तो खाना खा लिया है, मैं अभी खा रही हूँ, क्योंकि आज भाई मैं कर रही थी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार, तो मैंने सोचा पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं, अब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि ड्राई होने में टाइम लगता है। पहले तो बाहर का सोचा था मैंने, लेकिन अब मैं घर पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 बार खुद से कर चुकी हूँ, तो अच्छे से कर लेती हूँ। बहुत पहले हम अपने ठाकुर जी लाए थे, तो वो ब्रास के हैं, बाकी पीतल के होते तो श्रृंगार की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हम तो क्या ही है उनका श्रृंगार करने वाले, लेकिन उस जो विग्रह है उसको थोड़ा सा टाइम टू टाइम थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है, तो मैंने खुद से किया है। अभी अन्नी डाल दें खाना, मैं खाना खाती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे बैठे बस अभी खाना खाते हैं बढ़िया सा। बाकी अन्नी से पूछवाते हैं कैसा लगा उन्हें, क्योंकि मैंने बहुत आज मतलब मन नहीं था बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बनाया और अच्छा बनाया, ये सोच के कि चलो एटलीस्ट थोड़ा जीभ का स्वाद बदलेगा, तो अपने हाथों का अच्छा सा खाना खाते हैं। तो अन्नी अभी लेके आ रहे हैं, देखो रसोई में है, और लड्डू नीचे खेल रहा है। बस अभी खाना खा लेते हैं जी फटाफट से। तो भैया अनिल पूरा थाल भर के ले आया, पर इसको अकेले को मैं नहीं खाऊंगी, वो भी खाएंगे। भाई मैंने खा लिया है, बहुत अच्छा खाना था, अब ये खाएंगे। हम रेस्ट फरमाते हैं। और उसको देखो, उसको देखो गंजे का खा लेते हैं भाई मस्त। और मेरा बैक कैमरा पता नहीं कैसा। देखो भाई बढ़िया सा खाना नहीं पूरा थाल भर के ले आए हैं, और अनिल लड्डू ने खा लिया है। तो बनाने शुरू कर दिया, तो प्लीज सपोर्ट करना मेरे को। गाइस सुन रहे हो आप, अभी कह रहे मैंने भी ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, पता नहीं गाइस मुझे तो अभी आप लोग के साथ ही पता लगा है, बाकी तो हम भी ब्लॉग ही देखेंगे तो हमें पता लगेगा। चलो खाना बोल रहे हो आप, क्यों नहीं बोलते भाई? मेरे वन विलेन होने वाले हैं, देखो शायद आजकल में हो ही जाए। तो बताता हूँ, जैसे मेरे 2 मिलियन होंगे तब आपको अपने चैनल का नाम बताऊंगा। और ये देख लो भाई इसको। अभी हमने खा लिया खाना वाना, और ये देखो भाई। तो भाई खाना खा लिया है मस्त, और पेट भर चुका है, मन भी भर चुका है, बहुत अच्छा लगा। तो भाई यानी कह रहे थे ना बाहर का ले आते, तो बाहर के खाने में ये बाहर का लेके आता, लेकिन बाहर का कहाँ से लेके आता ये भी तो पूछो। स्वाद और संतुष्टि नहीं मिलती चाहे कहीं से भी ला। देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, देखो यहाँ बैठा है ये गंजू सा। आजा आइए लड्डू, आजा लड्डू, आइयो लड्डू, आजा ऐसे करियो, आजा करिए, दिख ही नहीं रहा यहाँ से। तो गाय अभी हम दूध गर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी चाय बनाएंगे, फिर पिएंगे। गाइस भाई मैं थोड़ी देर लेट की थी, मैंने दवाई ली थी, और अब मेरे को काफी रिलीफ है। कमर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, अब नहीं हो रहा है। पैरों में हाथों में हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। और अनी ने भी देखो गाइस व्लॉगिंग शुरू कर दिया। आप लोगों को मैं एक दो क्लिप दिखाऊंगी अब जब दोबारा लेंगे, तो आप लोग देखना व्लॉगिंग का भूत चढ़ गया अनिल के भी। देखो उसको, देखो एक बार देखो लड्डू। और ये लड्डू ने भैया हमारा जीना आराम कर रखा है बिल्कुल, जो चीज बना करेंगे ये वही करता है। बट देखो मैं दिखाता हूं, गाइस अभी 5 बज चुके हैं और लड्डू यहाँ पे अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। अनी गए भाई दूध लेने, क्योंकि जो हम मतलब बर्फी बनाने वाले हैं उसमें दूध चाहिए, हम जो खोया होता है बाहर का वो नहीं यूज़ करने वाले, दूध से ही बनाएंगे।
तो अभी वो एक दो सामान लेने गए हैं, आ जाएंगे फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। और गाइस अभी मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, मेरे को ना ऐसा मतलब एकदम मैं श्योर थी कि मुझे टाइफाइड या फिर तो डेंगू वेंगू कुछ हुआ होगा, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बट वही ना आने बोले कि वायरल अभी चल रहा है, वायरल फीवर, तो मेरे को फीवर भी था कल, आज तो नहीं है। तो बाकी अभी सब ठीक है, नॉर्मल है, ये वायरल फीवर 2 से 3 दिन के लिए ही होते हैं, अभी ठीक है। और हो चाहे जो भी हो, मैं होली का त्यौहार ख़राब नहीं रह दूँगी, भाई साल भर में एक बार ये त्यौहार आते हैं, दो महीने अच्छे से इन्जॉय करेंगे। और लड्डू देख लो यहाँ पे खेल रहे हैं इसके साथ, बहुत सारी चीज़ें इसके पास रखी है। बस अभी 5 बज गए और तैयारियाँ करते हैं बनाने की, ऐसे ही प्रिपरेशन में धीरे 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 धीरे। तो बहुत आज मैंने अपने पूरा दिन मेरा चला गया, मैंने कहा था ना हम कुछ अच्छा सा बना रहे हैं, मैंने सोचा था ठाकुर जी की ड्रेस बनाएंगे, पर ड्रेस में नहीं बना पाई क्योंकि ग्लू गन ना गोडाउन पे रखी है नहीं के, लेकिन वो लेकर नहीं आए हैं। और तो मैंने आज ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया है, तो वो हुआ है, उसमें पूरा दिन चला गया क्योंकि ड्राई होने में भी टाइम लगता है। और अभी बस वही कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे कल के लिए, और अपने एक दो काम कर लेंगे, बस ऐसे ही हमारा दिन जाएगा। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, 7:30 बज गए, हम बनाने वाले तो मिठाई थे लेकिन अभी तक हमने नहीं बनाई है क्योंकि भाई बीच में मैं और नहीं चले गए मेरा एक सूट देने के लिए, बट फाइनली सूट वाली ने मना कर दिया कि वो नहीं दे पाएगी, मुझे तो चाहिए था सोमवार की शाम तक, वो नहीं दे पाएगी। तो अभी आ गए एक दो चीज़ें और ले आए मार्केट से, अभी पूजा करते हैं और फिर देखते हैं, फिर बनाते हैं क्योंकि अभी ने खाना भी खा लिया है, वही दाल चावल रखे थे तो वही खा लिए, और तो कुछ बनाया नहीं है। अभी मैं पूजा कर लूँ फिर बात करते हैं आपसे। पानी सबसे पहले जो घी आया उनको ऐसे इसको पील कर रहे हैं, यानी कि उसका जो छिलका है वो हटा रहे हैं, फिर मैं इनको वॉश करूँगी, और उसके बाद नहीं पहले वॉश करा एक बार, अब उसके बाद छील के फिर वॉश करेंगे और फिर इसको वो करेंगे क्या कद्दूकस। और हमारा लड्डू सो गया है, घी लिया है 1.5 अमकल लाए थे, आधी किलो ने आज फिर ले आए हैं, तो सबकी बनाएंगे, और ये भी मे भी बची जाएगी हमारी, बचेगी तो नहीं, हमारे घर में मीठे के चस्सू हैं बहुत। ये इंसान और जैसे कि इंसान सो रहा था, एक वो इंसान जो सो रहा है वो भी बहुत मीठा खाता है। मैंने वॉश करके दे दिया है, अब नहीं करेंगे इसको नीचे दुकस करेंगे, तब तक मैं और बाकी के काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने घी जो है वो हल्की सी पानी सोख करके उसका मतलब निचोड़ के डाली है। सर मेरे किचन के काम भी चल रहे हैं, 10 मिनट तक मैंने इसको रखा है और इसने अपना जो पानी है वो सोख कर दिया। अब हम इसमें 5 मिनट बाद जब थोड़ा सा और वो कर देगी, पानी भी इसमें है थोड़ा थोड़ा, तो हम इसमें दूध डालेंगे। अगर आप खोआ डालना चाह रहे हैं इसमें तो आप अभी चीनी के साथ पहले इसको पका दें, मतलब चीनी का जो पानी होगा उसे भी सुखा दें और इसका भी, और फिर आप इसमें खोआ वगैरह, मैं इसमें दूध डाल दी तो हम पहले दूध के साथ इसको पकाएंगे। तो चलो मैं फटाफट से एक काम करूँ, साथ साथ मेरे और भी काम चल रहे हैं। मैं इसमें डाल रही शुद्ध देसी खांड, चीनी का यूज़ हम इसमें नहीं कर रहे, अगर मेरे पास ये नहीं होती तो मैं इसमें गुड़ डालती, बट है तो मैं यही डालूंगी, और एक और पैकेट अभी तो फटाफट से ये डाल देते, फिर उसको जलाते हैं मतलब उसके पानी को। गाइस ये ना एक छोटा सा मेरे पास कप है, हम परसों मार्केट में गए थे ना तो मैंने देखा था ठाकुर जी की जो छोटी सी पिचकारी, और बोले कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, मतलब 150 कितने रुपए की थी। तो मैं ना खुद से बना रही हूँ ठाकुर जी की पिचकारी और बाल्टी, लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं, वो आपको मेरे शॉर्ट्स में देखने को मिलेगी, तो मैं बनाती हूँ और आपको एंड में दिखाऊंगी। बहुत ईजी है, इजीली बन जाती है, अगर आपके घर भी गोपाल जी हैं तो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनानी। तो मैं चलो इसको भी बना लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि वो उसमें तो टाइम लगेगा, साथ साथ ये भी कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो भाई अब मैंने इसमें डाल दिया दूध, दूध इसको जलाएंगे साथ साथ में, मेरे और भी काम चल रहे हो रहा है। उसके साथ ही मैंने ये कुछ बादाम का पाउडर बना के रख लिया है, और भाई मेरे पास ये भाई दूज के पिछले अभी जो आया था मतलब पिछले टाइम उसके नारियल रखे थे, वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, साथ में ही थोड़े से ये देखो एक मिनट मखाने रखे थे ये भी, और अगर मेरा वो ये बर्फी अभी बन गई तो अभी मैं नारियल वाली भी बना लूँगी, वरना ये सुबह बनाऊँ क्योंकि सुबह भी मेरे पास टाइम रहेगा, तो इसको मैं सुबह बनाऊँगी। इसमें अभी ढककर ऐसे ही रख देती हूँ। 25 to 30 मिनट बाद इसकी कुछ ये कंडीशन है, मतलब इसका सोरा दूध सूख गया, लेकिन टाइम लगा ना, पनीर लगे हुए हैं भाई काम में, कुछ ऐसा हो गया है, और यहाँ पे नहीं लगा रहे अभी इसके पूरे पे घी, और फिर हम इसको सेट करते हैं। शेफ दूसरी मिठाई अभी बनाओगे या सुबह? अभी बनाएंगे। या वेरी गुड, आज हमारा शेफ पूरे जोश और जुनून में लगा हुआ है। गाइस बनाया मैंने, अनिल ने सिर्फ चलाया इसको सूखने तक, दोनों की मेहनत है आधी आधी। भाई सीखा है किसी आदमी से मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। सेट हो गया और अनिल लगा रहे हैं इसमें कट, अब सुबह
इसको भोग लगाएंगे पहले भगवान जी को और फिर खाएंगे, ठीक है जी। मन कर रहा खाने का? तो रात में खा लूंगा। ये देख लो भाई नास्ते का आदमी। क्यों भाई रात ना कढ़ी और खा लियो। सेट हो गई है यहाँ पे, मैं इसी कढ़ाई में दूसरी बनाने की तैयारी। बन के रेडी हो जाएगी, थोड़ी बनाएंगे ये वाली, जल्दी से बना ले। अभी टाइम हो चुका भाई 9:30 का, 10:30 तक हम एकदम फ्री हो जाएंगे। नारियल को हमने हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है, ये देखो। और हमारी कढ़ाई हलवाई हो जैसी हो गई है बिल्कुल, साथ में दूध भी बॉइल हो रहा है। नींद आ रही है, इसको 10 बजने वाले हैं, फटाफट से ही करके फिर हम भी लेटते हैं। हमारा नारियल वाला भी हो गया, इसमें ये जल्दी हो गया थोड़ा सा, इसमें मैंने मखाने भी डाल दिए थे और बादाम वाला भी, और इसी में दूध और चीनी मिक्स करके, और ये ऐसा हो गया, अब इसको भी सेट कर देते हैं। दोबारा स्टार्ट करो। काम खत्म हो गया और अनी जाएंगे भाई सुबह गाँव में, तो ये सामान उनके कर दिया है। एक मिनट, मैंने बताया था अनियर के यहाँ पे भाई होली नहीं पूजते हैं, गाँव में जाते हैं, तो अनी कल जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम फिर जाएंगे, जाते हैं देखते हैं कब जाएंगे, आपको जल्दी ही पता लगेगा। और बस, तो कल है छोटी वाली होली, यानी कि होली पूजन, तो आप सभी को मेरे परिवार के और मेरे तरफ से होली का पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। और लड्डू अभी खेल रहा है, टाइम हो चुका भाई अभी 11 बज गए, तो बस पहले से बहुत अच्छा अभी बेटर फील हो रहा है, और सारा घर फैल गया है क्योंकि अभी शाम को बनाया भाई। बंद कर लो, वो आ जाएगा उसमें। तो बस आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी सभी को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।